अभी ये क्या मिला ड्रॉप से? अबे क्या गन है भी ये? ओ भाई तो और बना दिया साला इसको तो। ओ भाई एपेक्स लेजेंड्स गजब। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल ब्रदर्स। और कुछ दिनों से मैं बहुत मतलब देख रहा था कुछ गेम्स की लाइव स्ट्रीम, तो मैं फिलहाल देखा कि यार ये ऐसा भी कोई गेम है। इस गेम का नाम एक्चुअली है साइबर हंटर। और देख सकते हो यार ये गेम मैं खेल रहा हूँ लगभग 5-6 दिन से, मतलब कंटिन्यू खेल ही रहा हूँ। 8-9 मैच खेल लिए, बहुत बहुत सही लग रहा था ये मैच खेलने में। इसका गेम प्ले बहुत अच्छा है, थोड़ा सा न्यू है तो थोड़ा सा न्यू टाइप का इसका है। देखो उतरने का भी इसका मतलब स्टाइल है, बहुत अलग ही लगा। मतलब कोई भी गेम खेला हूँ इसमें इस टाइप का उतरने का तरीका नहीं देखा था मैं, पीसी गेम्स में भी नहीं देखा था। और इसका वैसे ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर में देख सकते हो, मैं लिंक इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो प्ले स्टोर में सिर्फ जाके आपको सर्च मारना है साइबर हंटर, तो आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। ये गेम एक्चुअली है तो थोड़ा पुराना, बट अभी रिसेंटली अप्रैल में इसका सीजन 2 लॉन्च हुआ है। और अभी अभी पता चला यार गेम बहुत सही है मतलब खेलने के लिए। और अब देखोगे तो पबजी के टक्कर में हो सकता है ये गेम, क्योंकि इसके ग्राफिक्स भी बहुत सही है, प्लस एनवीडिया फिजिक्स वाला सिस्टम जो है वो भी इसमें काम करता है। तो जितना आपका मोबाइल अपग्रेडेड रहेगा उतना अच्छा ग्राफिक दिखेगा। तो ये देख सकते हो उसकी कार, पता नहीं कौन सी कार है लेकिन दिखने में बहुत मतलब फ्यूचरिस्टिक कार है। नॉर्मल रेसिंग कार है बट फ्यूचरिस्टिक टाइप की चलती है। इसमें 900 सब सब लगा हुआ है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप अपने प्लेयर को धीरे धीरे मतलब उसका एबिलिटी वगैरह सब बढ़ा सकते हो। अब इसको स्क्वाड में भी खेल सकते हो, डुओ में भी खेल सकते हो, सेम एज जैसा बैटल रॉयल अदर गेम्स रहते हैं सेम वैसा ही गेम है। कुछ इसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन गेम प्ले बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका। और मैप भी काफ़ी बड़ा है इसका खेलने के लिए। और ड्रॉप देख सकते हो, ड्रॉप ऐसा आता है इसमें, ड्रॉप में काफ़ी कुछ मिलता है यार। मेरे को गन का इसमें उतना तो नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं अभी खेल ही रहा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ। और हाँ एक चीज़ और, कि अभी आप अगर स्टार्टिंग में खेलोगे इस गेम को तो आपको बहुत सारे बॉट्स मिलने वाले हैं, तो उससे आपका धीरे धीरे गेम प्ले इम्प्रूव होगा। आप धीरे धीरे खेलते जाओगे तो बॉट्स कम होते जाएंगे। ये देखो ये जो मेरे को मार रहे हैं शायद ये बॉट है कि नहीं मेरे को पता नहीं, और दूर से मार रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और, आप शील्ड भी बना सकते हो देखना अभी। ये देखो ये मेरी टीममेट एक शील्ड बनाई है, तो जैसे आपको गोली उली पड़ रही है तो शील्ड बना सकते हो। और ये शील्ड को अपग्रेड करके एक टावर भी बना सकते हो, जिस टावर के ऊपर आप चढ़ सकते हो, ऐसा कुछ इसमें भी दिया हुआ है। तो आपको एबिलिटी अपग्रेड करनी पड़ती है बार बार, तो वो आप कर सकते हो इस गेम में। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, कुछ नया कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि फोर्टनाइट जैसा है, बट एक्चुअली में फोर्टनाइट जैसा गेम प्ले नहीं है। इसमें कुछ बिल्ट नहीं करना पड़ता। ये बंदा नॉक पड़ा है, मैं इसको मार रहा था, बहुत दूर था ये बंदा, बट स्टिल किल खाने की तो हमारी आदत है। और जैसे कि बटन आप देख रहे हो, बटन भी मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो बटन जैसा आपको जमता है, क्लॉ, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर। ओके बॉट आ गया। स्टार्टिंग में आपको बॉट ही मिलेंगे, इससे आपका गेम प्ले धीरे धीरे मतलब आपको समझ में आएगा कि गेम खेलना कैसा। क्योंकि मैं भी अभी फिलहाल खेल रहा हूँ तो मेरे को इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है। हो सकता है यूज्ड टू हो जाएगा आदमी तो खेलना सीख जाएगा। तो धीरे धीरे खेलो, यूज्ड टू हो जाओ और खेलना सीख जाओगे तो मज़ा आएगा। ओके फाइनली मर गया एक बॉट बस बॉट ही मारो, थोड़ा बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में। हेड शॉट भाई, नॉक वाले को हेड शॉट, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे रियल प्लेयर्स आते जाएंगे तब इस गेम का रियल मज़ा आता है। क्योंकि कई दूर दूर से आपको शॉट्स पड़ती है और आपको एक से एक गन्स मिलती है। इसमें गन में नाम भी लिखी रहती है, जैसे हैवी स्नाइपर, नॉर्मल SMG या फिर हैवी SMG, तो उससे भी आप देख के उठा सकते हो कोई भी गन। और हाँ भाई रिकॉइल तो है ये गेम में थोड़ा बहुत, तो रिकॉइल कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एम एक जगह स्थिर नहीं रहता, ऊपर उठती है गन। ये मैं मार नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई था इस गेम का, मैं आगे पीछे कर रहा था तो मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि सेंसिटिविटी कैसे काम करेगा। तो अभी बहुत सारी सेटिंग्स करनी है इस गेम में, जब सेटिंग्स हो जाएगी तो अपन प्रॉपर खेल सकेंगे इस गेम को। और फिलहाल मेरा ID आप देख सकते हो अंश YT करके, तो किसी को रिक्वेस्ट भेजना है तो भेज देना, साथ में खेल सकते हैं। बट ये गेम मैं स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रीम करने का ट्राई किया था इस गेम को तो मोबाइल बहुत हीट होता है और बहुत लैग होता है गेम। और ये देखो बाइक, आप एक क्यूब सा बने रहता है, वो क्यूब को अगर आप मतलब इधर उधर ड्रैग करोगे ना तो बाइक भी आता है, तो उसमें आप बाइक भी ले सकते हो। प्लस आपका जो मैं शील्ड दिखाया था वो शील्ड भी आता है, और भी कुछ कुछ एबिलिटीज़ रहती है, तो
तो वो सब आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डिफरेंट सा बनाया गया है इसको। और मैप तो एज इट इज सर्कल ही बनता है, तो जैसे जैसे सर्कल छोटा होगा आपको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। एज लाइक कोई भी आपके बैटल ग्राउंड बैटल रॉयल गेम खेलेंगे तो उसमें आपको ऐसे ही रहता है, पबजी भी सेम है। हाँ पबजी थोड़ा रियलिस्टिक है, ये थोड़ा सा कार्टूनिश है लेकिन फिर भी मज़ा आता है। ये देख सकते हो बोट, बोट भी ऐसे लग रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कोई रेसिंग बोट वाला गेम खेल रहे हैं। देखने में तो ऐसी लगती है बोट, लेकिन चलती बहुत स्टेबल है। पबजी जैसी नहीं है कि बस चलाओ और इधर उधर होके फिर बाहर ज़मीन में ही आ जाए, तो ऐसी बोट नहीं है इसकी। बहुत सही है, बहुत स्टेबल बोट है। मतलब कोई भी कार या बाइक का कंट्रोलिंग देखोगे आप तो बहुत सही है इसमें, बहुत ही ऑप्टिमाइज करके बनाया गया है इसको। और जैसे कि आप और भी ग्राफिक बढ़ाते हो, जैसे HD या फिर अल्ट्रा HD करोगे तो आपको ग्रास भी दिखेगा। बट अभी मेरे मोबाइल की कैपेबिलिटी नहीं थी तो मैं बहुत स्मूथ में खेल रहा था, बहुत लो सेटिंग में, तो मेरे को कोई ग्रास व्रास नहीं दिख रही थी। 2x स्कोप है ये देख सकते हो आप। 2x स्कोप इसका राउंड राउंडेड नहीं है, एक्चुअली ट्रेंगुलर है, ट्रेंगुलर शेप में है वो। और काफ़ी अच्छा है, लाइटनिंग बैकग्राउंड और ग्राफिक्स पार्टिकल्स बहुत बहुत अच्छे हैं इसमें। मैं अल्ट्रा एच डी में भी मेरे को खेल के दिखाया था मेरे भाई ने, उसमें भी बहुत ही सही दिख रहा था कि मतलब उसमें ग्रास व्रास सब हर चीज़ क्लियरली दिख रहा था, तो वो सब देखने में मज़ा आ गया है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा होगा ये गेम, क्योंकि मैं कंटिन्यू खेल रहा हूँ तो मैं बहुत सारे मैचेस खेले मेरे को एकदम, मतलब थोड़ा पबजी मोबाइल से बोर हो चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट गेम चाहिए, तो ये गेम खेल रहा था। और इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे आप मैप देखोगे ना तो मैप में ही तीन चार अलग अलग लोकेशन है। जैसे आपने फोर्टनाइट में देखा होगा एक जगह बर्फीला लोकेशन है, एक जगह मीरामार जैसा लोकेशन है, एक जगह पूरा रेंगल जैसा लोकेशन है, तो अलग अलग लोकेशन है इसके मैप में। तो आप जब खेलोगे और जानोगे कि अलग अलग लोकेशन है, मतलब एक ही मैप में पूरे लोकेशन को कंबाइन कर दिया गया, तो ये बहुत सही चीज़ है यार। और एक चीज़ और है कि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती फोर्टनाइट जैसे, आपको कुछ बिल्ड करके उसके अंदर बैठो फिर बिल्ड करके आगे जाओ, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ईजी है खेलने में। और आपके सामने अपोनेंट्स रियल आएंगे तो बहुत सही लगता है गेम यार, उनसे फाइट लेने में बहुत मज़ा आता है और उनको किल करने में बहुत मज़ा आता है। ये इसका 4x स्कोप है, इसमें 8x भी मिलता है। 8x का रेंज बहुत ज़बरदस्त है यार, और क्या स्टेबल है 8x, बहुत मस्त। जैसे कि आप देखोगे पबजी मोबाइल में कभी कभी 8x जूम इन करते हो, किसी में भी मोबाइल, बहुत अच्छा मोबाइल है तो बात अलग है, बट नॉर्मल मोबाइल या एमुलेटर में भी स्कोप इन करते हो तो 8x बहुत ज़्यादा थोड़ा लैग होता है, फ्रेम ड्रॉप होते हैं। ओ भाई ये देखो इसके बॉडी भी बहुत खतरनाक रहते हैं, मार देते हैं सारे लोग। हाँ तो मैं बोल रहा था 8x लैग नहीं होता इसमें, बिल्कुल एकदम स्मूथली कंट्रोल कर सकते हो। और बॉट्स भाई, बॉट्स से अगर आप लंडे लगोगे हाथ से या किसी चीज़ से, ओ भाई ये गन तो देखो, ये गन भाई मतलब दो तीन बंदे आगे रहेंगे तो सामने जाके बम जैसा फूटता है, तो आप दो तीन बंदे को एक साथ ख़त्म कर सकते हो। ये गन ड्रॉप पे ही मिलती सिर्फ, बट ये गन अभी मैं नहीं लूँगा, अभी फ़िलहाल मैं ये चलाता हूँ मशीन गन, हैवी राइफल, एपेक्स लेजेंड जैसे चलती है जो, एक नंबर। ये सब देखने में मज़ा आता है, कुछ डिफरेंट यार लाइफ में होना चाहिए। बस एक ही गेम के पीछे सब लगे हुए हैं, एक ही गेम खेल रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं। तो आप लोग इनको भी सपोर्ट करो, ये सब गेम्स को भी, ये भी डेवलपर्स हैं। नेटीज को जानते हो, जो रूल्स ऑफ सर्वाइवल बनाया था, रूल्स ऑफ सर्वाइवल भी बहुत अच्छा चलता था, बट पबजी आने की वजह से उसके भी यूज़र्स बहुत कम हो चुके हैं। तो उसने ये चीज़ नया ट्राई किया है नेटीज ने, और ये नया गेम लाया है उसने, और ये गेम मेरे को तो सही लगा, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, रूल्स ऑफ सर्वाइवल से बड़ा भी है मैप, और बहुत सारे गन्स है, अलग अलग तरह की गन्स है, अलग अलग वेपन्स चलाने के लिए बहुत मज़ा आता है। और आपको लोकेशन वगैरह सब मैप में वैसा ही दिखेगा जैसे पबजी में दिखता है, कोई चलता रहेगा या गाड़ी आएगी या फिर कहीं गन शॉट होगी तो भी आपको क्लियरली दिखेगा वो मैप में, तो उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बंदे कहाँ हैं। ये देखो ऊपर कितने सारे बंदे खड़े हैं, ये सब बॉट्स ही है। ओ भाई क्या कूद रहे हैं बंदर जैसे, थोड़ा सा पिंग इशू है इसलिए हेडशॉट नहीं लग रहे। लोडिंग देख रहे हो, सेम फॉर्टनाइट जैसी लोडिंग कर रहा है। ओ भाई खतरनाक, कितने किलो है, सब बॉट ही मार रहा हूँ फिलहाल तो मैं, रियल प्लेयर तो अभी तक मिले ही नहीं है। कुछ कुछ मैच में लास्ट में रियल प्लेयर मिले थे मेरे को, लास्ट में मतलब एक दो स्क्वाड रियल मिली थी, और लोग फुल लड़ाई कर रहे थे और उनके बीच में हम लोग घुसे, मज़ा आ गया। हालांकि मैं अभी ज़्यादा किल मतलब किल तो ले रहा हूँ सब बॉट मार के, बट ऐसा कोई मैच जीत नहीं पाया था, ये मैच में जीता था लास्ट में, तो ये मैच आप देख सकते हो। लूटिंग भी ऑटो पिकअप वगैरह सब है, बट इसमें एक चीज़ नहीं है जो पबजी में रहता है, पिक एंड फायर, तो पिक आप नहीं कर सकते,
तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत सारे गेम्स में आप पीक नहीं कर सकते, और चलता है यार, बिना पीक के खेलने में भी मज़ा आता है। बंदा एक जगह खड़े रह के पीक करके आपको नहीं मार पाएगा, आपको पूरा एक्सपोज होना ही पड़ेगा। और TPP है वर्जन में है ये गेम, और FPP है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, बट FPP नहीं है शायद, TPP है ये गेम। और इसमें आयरन स्लाइट आप यूज़ नहीं कर सकते, 2x 3x और सॉरी 2x 4x एंड 8x मिलता है इसमें, वो गन में लगा सकते हो आप। ये रेड डॉट था, तो कोई बंदा दिख ही नहीं रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है गेम। ओके, तो ये भी बॉट ही था शायद, और एक बंदा कहाँ मरेगा पता नहीं एक बंदा और मर जाएगा अभी आगे, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही यार, बहुत मस्त है, थोड़ा सा चांस दो दूसरे डेवलपर्स को भी, और उनके भी बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं, उनको भी ट्राई करो यार। एक ही गेम के पीछे कब तक लगे रहोगे, कुछ नया ट्राई करो, बहुत सही गेम है, डाउनलोड करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो चलो भाई लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करके बेल नोटिफिकेशन दबा देने का गाइस, क्योंकि अपन डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं और ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।